ओम शांति। 15 जुलाई 2022। परमात्मा शिक्षाएं। बाबा हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे हैं। शांति में बैठकर सुनेंगे, आत्मसात करेंगे और अटेंशन देकर धारणा स्वरूप बनेंगे। बाबा कहते हैं, यह ईश्वरीय ज्ञान कोई कथा थोड़ी ना है कि जिसे केवल सुनना है। एक एक बोल पर अटेंशन देकर अपनी चेकिंग करनी है कि भगवान क्या बोल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। बाबा कहता, हर बोल को चेक करो, अपनी चेकिंग करते जाओ। ज्ञान सोए सोए नहीं सुनना, जाग कर इस ईश्वरीय ज्ञान को समझना और स्वयं में समाना है, जिसके लिए ही शिव बाबा कहता है चेक एंड चेंज। बाबा कहते हैं, शिव बाबा की शिक्षाएं हैं, शिव बाबा की छत्र छाया है। तो अब मेरी एक ही इच्छा भरपूर हो कि मुझे परमात्मा श्रीमद अर्थात शिव बाबा की एक एक समझाने की पालना करनी है। इच्छा रखने का अर्थ ही है हिम्मत रखना, और हिम्मत को ही मदद है ही, ठीक है ना, हिम्मत को तो मदद है ही। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि जो है वो कहता है अकल्याण में भी कल्याण है। संशय बुद्धि वाला कहता है जो हुआ वो मैंने किया और जो बुरा हुआ वो भगवान ने किया। बाबा कहते हैं, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। स्व परिवर्तन अर्थात अपने स्वभाव संस्कार को परिवर्तन कर बाप समान बना लेना, और जैसे जैसे आपका स्वभाव संस्कार परिवर्तन होगा वैसे वैसे आपके संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं आपकी सहयोगी बन जाएंगी और सहयोगी बनते बनते योगी बन जाएंगी। इसलिए अपने संकल्पों पर और बोल पर अटेंशन रखो। बाबा कहते हैं, यह अंत के समय में जो भी परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, वे आपको पावरफुल बनाने और इन पांच तत्वों की दुनिया से न्यारा करने आ रही है। बस जब आप स्वयं को श्रेष्ठ आत्मा समझ परमात्मा बाप की याद में रहोगे तब यह सभी तूफान तोहफे बन जाएंगे। इसलिए पावरफुल बन, इनसे घबराओ मत, बल्कि अपने स्थिर मन की स्थिति की सीट पर सेट हो। सब कुछ परमात्मा बाप को समर्पित कर हल्के हो जाओ। जब भी इस तन का कोई हिसाब किताब आए या मन में अपनी ही कमी कमजोरी के संकल्प हो या अन्य कोई भी परिस्थिति आए, तो इन सब को भी परमात्मा बाप को समर्पण कर शिव बाबा की याद में बैठ जाओ। फिर जल्दी ही शिव बाबा सब परिवर्तित कर देगा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।